समस्त भारत वर्ष के साथ साथ गोंडा जनपद में भी कायस्थ समाज ने भगवान चित्रगुप्त की जयंती को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। सोमवार को चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर कायस्थ परिवारों ने घरों में विधिवत रूप से कलम और दवात का पूजन किया। इसके साथ ही मंदिरों में हवन कर भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद लिया। चित्रगुप्त जी को सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता माना जाता है। वे सभी प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं और उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। परंपरा के अनुसार कायस्थ समाज दीपावली से ही लेखन कार्य में प्रयोग होने वाले कलम पेन और पेंसिल का त्याग कर देते हैं और फिर भाई दूज के दिन विशेष पूजन कर उसे पुनः प्रारंभ करते हैं। इस अवसर पर कई वरिष्ठ जनों ने कायस्थ समाज की एकता को बनाए रखने का आह्वान किया और चित्रगुप्त जी की कृपा से समाज में सुख समृद्धि की कामना की। कायस्थ समाज का मानना है कि भगवान चित्रगुप्त जो ब्रह्मा के पुत्र हैं ने दो विवाह किए थे जिनसे 12 पुत्र हुए। इन्हीं 12 पुत्रों के वंशज आज कायस्थ समाज के रूप में जाने जाते हैं। उनका कार्य और पहचान लेखन के कार्य से ही जुड़ी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने की परंपरा है, जिसे कायस्थ समाज अपने कुल देवता के प्रति श्रद्धा और सम्मान के रूप में विशेष तौर पर मनाते हैं।